हेलो दोस्तों, डीजे बिजनेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो डीजे सेटअप प्राइस पर है। यह वीडियो नए डीजे भाई लोगों के लिए है जो एक अच्छी कीमत पर अच्छा डीजे सेटअप खरीद सके, ताकि उनके साथ धोखा ना हो, कोई उन्हें बेवकूफ़ बना के लूट ना ले। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। यह डीजे सेटअप 4 टॉप और 2 पीस डुअल बेस का है। यह डीजे सेटअप नए लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है जो नए डीजे मार्केट में उतरना चाह रहे हैं। यह लोग इस तरह का डीजे सेटअप 4 टॉप और 2 पीस डुअल बेस का डीजे सेटअप के साथ अपना डीजे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। इस डीजे सेटअप के बारे में थोड़ा विस्तार से बताते हैं। पहले हम डीजे सेटअप में बेस के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि डीजे के लिए जान होता है। अगर आप डीजे सेटअप में बेस अच्छा लगाते हैं तो आपका डीजे बहुत ही अच्छा बजेगा, बहुत ही धाकड़ बजेगा, जिससे आपका डीजे खूब चलेगा, आपका डीजे का नाम होगा, तब जाके आप डीजे बिजनेस में कुछ कमा सकते हैं। इसीलिए आप अपने डीजे में बेस के लिए 18 इंच का 1200 वाट स्पीकर लगाइए, क्योंकि आप नए डीजे भाई लोग हैं तो ज़्यादा पैसा बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि आप लोग नए डीजे मार्केट में उतरे हैं। इसलिए आप कम से कम 1000 वाट या 1200 वाट का स्पीकर लगाइए। एक सेट डीजे सेटअप के लिए 2 पीस डुअल बेस, जिसमें 18 इंच का 4 स्पीकर लगेगा, जिसका एप्रोक्स प्राइस 80,000 पड़ जाएगा। बेस का हो गया दोस्तों, अब टॉप की बात कर लेते हैं। टॉप दोस्तों मिड और हाई फ्रीक्वेंसी के लिए होता है, यही सबसे तेज आवाज़ करता है दोस्तों, इसी से आपका डीजे का साउंड पता चलता है। इसीलिए दोस्तों टॉप में लगाने वाला स्पीकर बहुत ही सोच समझ कर लगाया जाता है, क्योंकि स्पीकर हर फ्रीक्वेंसी का अलग अलग होता है। इसीलिए बहुत ही सोच समझ कर टॉप में अपने हिसाब से अच्छी क्वालिटी का मिड और हाई फ्रीक्वेंसी देने वाला स्पीकर लगाया जाता है। इसके लिए सबसे अच्छा होता है 400 वाट का 15 इंची का स्पीकर दोस्तों, और एक पीस 100 वाट का HF। एक सेट डीजे सेटअप बनाने के लिए 4 टॉप आपको लग जाएंगे, जिसमें 15 इंच का 8 स्पीकर और 4 पीस 100 वाट का HF लगाना पड़ेगा, जिनका कीमत लगभग 70,000 के आसपास लग जाएगा दोस्तों। स्पीकर का हो गया दोस्तों, अब मशीन की बात कर लेते हैं। बेस को चलाने के लिए एच क्लास का एम्पलीफायर लगेगा दोस्तों, एच क्लास का मशीन, जिसके लिए आप 5000 या 6000 वाट का मशीन खरीद सकते हैं। ये 5000 का NX ऑडियो की तरफ से एच क्लास मशीन है दोस्तों, ये बहुत ही हैवी है दोस्तों, ये बजट में भी काफ़ी महंगा है, आप इससे सस्ता भी लगा सकते हैं। इस मशीन का लगभग कीमत मार्केट में 50,000 के आसपास मिल जाएगा दोस्तों। बेस को चलाने के लिए मशीन हो गया दोस्तों, आप 4 पीस टॉप को चलाने के लिए मशीन खरीदना पड़ेगा दोस्तों। आप 3000 वाट या 3200 वाट का मशीन खरीद सकते हैं दोस्तों, ये स्टेंजर का एम्पलीफायर है दोस्तों 3K, इसका अप्रोक्स प्राइस मार्केट में 28,000 के करीब मिल जाएगा दोस्तों। डीजे सेटअप में लगाए हुए बेस और टॉप को चलाने के लिए जो एम्पलीफायर है, उसको ऑडियो इनपुट देने के लिए मिक्सर लगाना पड़ेगा दोस्तों। यह डीजे मिक्सर आपके पूरे डीजे सेटअप का वॉल्यूम को कंट्रोल करेगा दोस्तों, कितना तेज और ज़ोर से बजाना है इसी से कंट्रोल होगा दोस्तों। यह डीजे मिक्सर स्टेंजर की तरफ से है, जिसका मॉडल नंबर SM6 है। ये लो कॉस्ट डीजे मिक्सर है दोस्तों, ये बहुत कम बजट में बहुत ही अच्छा साउंड आउटपुट करता है, इसका अप्रोक्स प्राइस मार्केट में 3000 के करीब मिल जाएगा दोस्तों। डीजे सेटअप में एक से अधिक एम्पलीफायर होने से आपको ये DA20 लगाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि मिक्सर एक से अधिक एम्पलीफायर में प्रॉपर साउंड नहीं दे सकता है दोस्तों, इसके लिए आपको DA20 लगाना ही पड़ जाएगा। यह DA20 स्टेंजर कंपनी का है दोस्तों, स्टेंजर कंपनी का DA20 बेस्ट होता है, ज़्यादातर डीजे वाले यही DA20 यूज करते हैं, जिसका अप्रोक्स प्राइस 2500 के आसपास मार्केट में मिल जाएंगे दोस्तों।
पूरे डीजे सिस्टम को बिजली से चलाया जाता है दोस्तों, जिसको कंट्रोल करने के लिए आपको स्टेबलाइजर लगाना पड़ेगा दोस्तों। आप एक पीस या दो पीस लगा सकते हैं दोस्तों। एक पीस का अप्रोक्स प्राइस 8 KVA का 10,000 के आसपास लग जाएगा दोस्तों। फाइनली आपका डीजे सिस्टम तैयार हो चुका है दोस्तों। तैयार होने के बाद कुछ इस तरह दिखेगा। इस डीजे सेटअप का साउंड क्वालिटी दोस्तों बहुत ही अच्छा होने वाला है दोस्तों। बहुत ही धमाकेदार और धाकड़ बजेगा ये डीजे सिस्टम। यह वीडियो आप लोगों का कैसा लगा दोस्तों, कमेंट ज़रूर करें। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।